खोज हार हमने की। चलो उस दिन हमने 6 चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है? मैम उसमें कुछ टिक करवाया है? नहीं करवाया, क्वेश्चन आंसर्स भी टिक नहीं करवाया मैंने अभी तक, कुछ भी नहीं करवाया। मतलब मैम जो आप वो बोलते हो ना कि वो नोटबुक में लिखना है वो इम्पोर्टेंट नहीं पॉइंट्स, वो नहीं करवाया मैंने। मैम तो आप चैप्टर 7 नहीं, सबसे पहले सभी के वीडियो ऑन कर दो। मैम दिया का मुझे पता है, वेदांत मैत्री मैम रुको, दिया मुझे पता है पीडीएफ से हमेशा ज्वाइन होते हो, रुद्राक्ष माधवन हर्षवर्धन, रुद्राक्ष बहुत समय के बाद आए तुम। लेक्चर में होता है मेरे ख्याल से, तो मेरे में नहीं है, काफी टाइम से वो नहीं आ रहा है। मैम हमारे एग्जाम चल रहे थे ना तो मैम ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं होगा। ओके कैमरा क्यों ऑन नहीं होगा, बिगड़ गया? नहीं मैम। तो क्यों ऑन नहीं होगा? मैम फीवर, मैम नहीं खोल कर सकता। अरे तू कितना बीमार हो गया है, कोरोना हो गया क्या तुझे? नो मैम रिपोर्ट हुआ है, वो ऐसा लास्ट ईयर मैं भी बोल रहा था। एक मिनट रुद्राक्ष वेट, हर्षवर्धन तू कितना बीमार रहता है? एक हाँ मैम पानी पी के आ जाओ। ठीक है हर्षवर्धन प्लीज, आई होप यू गेट वेल सून, एंड ये बार बार एक्सक्यूज अगर पूरी वीक लगेगा ना तो फिर मैं इस पे चेकिंग करवाऊंगी कि तू सच्ची में बीमार है कि मैम को उल्लू बना रहा है। नहीं मैम करा लीजिए। फीवर और कैमरे का क्या संबंध? दिगांश रुको, वो ठीक नहीं है ना तो उसकी शक्ल ठीक ठाक नहीं लगेगी, वो शायद से लेटे लेटे मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा होगा, वो उसको इज नॉट वेल, तो मे बी आई विल गिव हिम वन मोर चांस। 3 चांस तो सबको दिया जाता है, मैं 3 चांस दूंगी उसको, आज सेकेंड चांस है उसका। रुद्राक्ष वेवर यू? यस मैम। वेवर यू? मैम लोडिंग हो रहा है। मैम कैमरा लोडिंग हो रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर कैमरा। तब तक हमको तो बोलिए। मैत्री हैज अ वैलिड रीजन, शी गेव मी अ रीजन। खुशी बोलिए क्या हो गया? मैम हमारी एग्जाम की डेट आ गई मैम। रुको खुशी एक मिनट, वेट। यस रुद्राक्ष क्यों नहीं थे तुम काफी समय से? मैम एग्जाम चल रहे थी। ओके नाउ डन बेटा। मैम यस मैम। माधवन मैं जवाब नहीं दूंगी, बीच में से मैम बोलोगे तो। ओके रुद्राक्ष खुशी बोलो अभी तुम। यस मैम मेरी एग्जाम की डेट आ गई है मैम। ओके कब है एग्जाम? मैम 12 डेट को, 12 अगस्त। 12th August. Course क्या है? First and second chapter. Done. कल तक हमारे 4 चैप्टर की टेस्ट खत्म हो जाएगी। 12th तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी देख सकते हो, और आप वर्कशीट्स होगी वो भी देख लेना, और कुछ समझना हो तो समझ लेना, ठीक है? Yes. Yes माधवन। हेलो मैम। हेलो माधवन। मैम मैं कह रहा था कि फिर मेरे को टेस्ट में एक ही नहीं आया। टेस्ट क्या? मतलब मेरी 25 मार्क्स की टेस्ट थी उसमें एक ही नहीं आया सिर्फ। एक ही नहीं आया? ओके कौन सा था वो क्वेश्चन जो नहीं आया वो याद है? हाँ मैम रुको मैं बताता हूँ। अच्छा इसमें वो हेलो कैसे बात करे जैसे हम लोग तो फोन पे बात करते हैं। मैम अब इसने कहा एक ही नहीं आया तो मुझे ऐसा लग गया कि उसको सिर्फ एक आया, बाकी सब मुझे भी पहले ऐसे ही लगा, इसलिए मैं एक वापस मार्क्स आया। मैम सबको ऐसा ही लगा। ठीक है हर्षवर्धन बोलो, वो जब तक उसका क्वेश्चन ढूंढे तब तक तुम्हारा क्या डाउट है? एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं भूल गया।
अच्छा ठीक है, तो आपका जो रेज हैंड है उसको डाउन कर दो, जब याद आए तब बोलना। यस मैत्री, आपका क्या डाउट है? मैम मेरी भी एग्जाम की डेट आ गई है। कब है आपकी एग्जाम की डेट? 20 अगस्त। 20 अगस्त, वेट मार्क वन। 20 अगस्त, एंड व्हाट इज द कोर्स? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर। ओके, सेम पेपर है। सेम व्हाट आई हैव टोल्ड खुशी, माय कोर्स इज कंप्लीटेड। टुमारो हमारे चार चैप्टर्स की टेस्ट भी खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है? चाने तीन। मैं ले रही हूँ कल 2, 3, 4। तो हमारे चार चैप्टर हो गए, फर्स्ट मैंने ले लिया और कल की एग्जाम का कोर्स है 2, 3, 4। देवांश तो बोल रहा था मैम 6 तक ले लो, पर मुझे फिर बाकी सब बच्चों पे बहुत ही तरस है। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा। मैम तरस नहीं है, ये बरस है। तेरी भी डेट आ गई। यस माधवन, याद आया तुझे? मैं बोल रहा हूँ। हेलो, अरे हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, ऐसा बोलना हर बार। हेलो क्या करता है देवांश? बोलो माधवन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्टिंग फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। वापस बोलो क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टिंग फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। यू हैव टू गिव द डेट, राइट? मैम डेट देनी थी। हाँ, और मैम एक और एक डाउट है मैम। वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा ना? और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वापस एक बार रिपीट कर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड एक मिनट, वर्किंग फ्रॉम स्टार्टिंग असेंबली स्टार्टिंग फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। हाँ वही क्वेश्चन को बहुत गोल घुमा के पूछा है, पर आपको डेट देनी थी 9 दिसंबर 1946। ओके ओके मैम, पहले लगता है रुको, सब एक साथ नहीं बोलेगा। माधवन तेरे डाउट खत्म हो गए? हाँ वेरी गुड। मैत्री तुम्हारा डाउट खत्म हो गया? वेरी गुड। देवांश तुझे डाउट है? मेरे एग्जाम की डेट आ गई। बोलो। 27 अगस्त। कोर्स बोलो। थर्ड फोर्थ चैप्टर। चलो डाउट नहीं है, हाथ नीचे। मैम रुको, अभिमन्यु बोलो। मैम लेसन टू के सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही है ना? क्या बेटा? लेसन टू का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही है ना? पता नहीं, मैं पेपर बन भी गया और भेज भी गया, मुझे याद नहीं है। देख अभिमन्यु, तो आज पूरा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था थर्ड फोर्थ फुल ऑफ सब्जेक्टिव है। ओके, यस हर्षवर्धन बोलो। मैम आप तो मेरे है ना 2 और 3 लेने वाले थे। हाँ, बाद में मैंने एक चैप्टर बढ़ा दिया तेरे लिए। ठीक है, तू बीमार है ना? मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, सबके लिए देवांश। चलो हर्षवर्धन, अगर तू बीमार है तो मैं मेरी दिमाग मत चला अपना, वरना मैं तेको कंपलसरी मैंडेटरी कर दूंगी वीडियो ऑन करने के लिए। वेदांत व्योम खुशी, आई वांट योर ऑल टू ऑल वीडियो ऑन। आरती रुद्राक्ष, चलो फटाफट। मैम हाँ बोलो नीचे। मैम मेरी भी देवांश के साथ ही है एग्जाम। एग्जाम स्कूल एक है, क्लास स्टैंडर्ड भी एक है, तो क्यों बोलता है? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, डाउट होगा तो मुझे पूछना। चलो अब आप सबको कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं, लिखो फास्ट। 2 मिनट में बुक तो है, बुक लेने हैं। 2 मिनट मैम, 2 मिनट मैम, 5 मिनट मैम। सबको उस तरीके से लिखना है कि मुझे जो लिख रहे हो वो दिख रहा है। अब आपका जो डिवाइस है उसको भी अरेंज करना है, तो 2 नहीं मैं 4 मिनट दे रही हूँ कंपलसरी। दिया नो नीड ऑफ PDF, सो यू हैव टू ऑन योर वीडियो टुडे। नो नीड ऑफ PDF, आई वांट टू सी ईच एंड एवरीवन। हर्षवर्धन अगर तुम लिख सकते हो तो लिखना है। हर्षवर्धन तो बच गया। नहीं, उसको मैं 3 ही चांस दूंगी, फिर देखो नेक्स्ट वीक वो ऐसा ही देगा तो वो रिमूव हो जाएगा।
नहीं मैम, मैं लिखूंगा और देवान मुझे नहीं हुए अभी। चलो एवरीवन प्लीज डोंट वेस्ट माय मोर टाइम, ओके फास्ट मिल रही है। पता नहीं मैं मेरी एसएस की बुक नहीं, मैं नहीं, तू कोई भी पिन पेज उठा देना, पूरा एक घंटा मत लगाना उसमें। यू शुड ऑलवेज बी वेरी क्विक, सेकंड ऑप्शन हमेशा खुला रखना है। मैं मीटिंग क्या करा ले, नो मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी आज, मुझे तू देख लिख रहा है वो देखना है। अब तेरा डिवाइस उस तरीके से सेट कर। मैम किसका बोल रहे हो? व्योम मैम मेरा नाम तेरा है, व्योम है ना, यहाँ पे चार पांच व्योम है। मैम नेटवर्क इश्यू ऐसी है, बराबर सुनने नहीं दे रहा। मैम इसका हर बार का नेटवर्क इश्यू। देवांश बीच में नहीं बोलोगे। मैत्री आई नो योर नेटवर्क इश्यू इज देयर, डियर देयर इज नो नीड ऑफ पीडीएफ टुडे, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई वांट योर डिवाइस टू बी सेट दैट वे कि व्हाटएवर क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू टू राइट इट शुड बी सीन। मेरा दिख रहा है मैम? हाँ यस परफेक्ट। आंगी I'm not able to see what you're writing. Aditya, I can see clearly. मैम वो लैपटॉप में से तो नीचे कैसे करें? व्योम सेट हो गया था। आंगी थोड़ा सेट हो सकता है तो देखो, वरना कोई बात नहीं बेटा। मैम मेरा कंप्यूटर से कैसे करें? कोई बात नहीं। HD का परफेक्ट है। काव्या, I'm not able to see. Vanisha, I'm not able to see. Yes, Kavya, this is the way perfect. Vanisha, you have to set your device. मैम कहने की मैम कितनी नीचे चली जाएगी तो मैम हम देखेंगे कैसे। यस मैम ओके चलो राइट डाउन नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। मैम हेडिंग क्या डाले है? कौन ने किसने मुझे पूछा हेडिंग क्या डालना है? तुम लोग फर्स्ट ईयर बच्चे हो क्या कि मैं डेट हेडिंग सारी चीज की इंस्ट्रक्शन दूंगी? वैसे आज कौन सी डेट हुई? हेडिंग डालेगा माधवन मैं पागल हूँ। मैम मेरा कैमरा बराबर है ना? तुम्हारे पास जो भी डिवाइस है ना, उस डिवाइस में डेट टाइम सब कुछ आता है। सो डोंट आस्क मी सच अ सिली क्वेश्चन कि मैम आज डेट क्या है। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मैम रिपीट करो ना। Why do we need a constitution? मैम yes मैम I am writing the questions in the chat box too, so अगर आपका है क्या तो आप देख सकते हो। Why do we need a constitution is the first question. Second question. Ma'am. Define weight cushion. Define constitution. First note down all the questions, Kushi. Then I will solve your doubt. Ma'am, typing करने जाओगे तो देखो तुमसे fast है। Type में भी fast है। Ma'am, मेरे से fast नहीं हो सकता। व्योम तू रहने दे, माइक बंद रख। तो चांपले तू बंद हो ना। मैं तुम दोनों को निकाल दूंगी। मैम डिफाइन के बाद क्या बोले? डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। मैम इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बाद यस व्हाट रिफॉर्म्स were made by Dalhousie. What reforms were made by Dalhousie? Spelling. Start writing. Dalhousie was speaking Boolean. By 4, 5 or 4, 10. I want all these 3 answers to be completed. मैं Dalhousie का spelling बोलिए ना। देखो chat में लिखा है। मैम नहीं आया। मैम आपने किसी और के में लिखा होगा, एवरीवन में नहीं लिखा। मैम
मैम आपने क्या करा अभी, 4-2 क्या बोला आपने? यस मैम, 4:25 तक ये सब खत्म, 4:10 मैम 15 मिनट What reforms were made by Dalhousie Devansh? Not a single word. Start writing. मैं spelling बोली ना dialogue. DALHOUSIE. मैम थोड़ा slow बोलिए. DALHOUSIE. जिसका भी पहले हो जाएगा वो resign करेगा. Yes खुशी, तुम्हारा doubt क्या था? मैम मेरा डाउट ये था कि मैम हम लोगों को स्पेस लीव करनी है आंसर के लिए. बेटा योर, दैट इज योर कॉल, दैट यू हैव टू डिसाइड. जैसे भी लिखना है मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आंसर्स चाहिए. ठीक है बेटा, वो आपको जैसे पसंद हो लिखो. अभिमन्यु वीडियो ऑन करो बच्चा. जिसको जो भी आंसर नहीं आता वो छोड़ देगा और जो आता है वो फटाफट से लिख लेगा. रुद्राक्ष वीडियो ऑन. दिया मैत्री, जिन बच्चों का वीडियो ऑन नहीं होगा और पूरे लेक्चर में ही आंसर्स का भी मुझे कुछ भी रिवर्ट नहीं मिलेगा, वो आंसर ये 20 बार लिखे. जैसे दिया को मैं बार बार बोल रही हूँ, उसकी तरफ से मुझे कोई भी रिवर्ट नहीं आ रहा है, पूरे लेक्चर में नहीं आएगा, तो यही 3 क्वेश्चन वो 20 टाइम लिखेगी. यस मैम. मैम एम आई ऑडिबल? यस दिया यू आर ऑडिबल बट यू आर नॉट विजिबल. मैम एक्चुअली आई ओपन्ड माय पीडी. आई हैड टोल्ड यू 5-10 minutes back today, no need of the PDF. Yes, ma'am, actually, that. Where were you? Have you written the 3 questions? Ma'am, which 3 questions? So, I have already completed 5 minutes back, Dia. What were you doing? I have some network issue. Okay. Ma'am, actually, here is some network problems. I am not at my home. Okay. Start writing fast. And ma'am, also here some constructions is going on, and that's why I can't hear. Ma'am, why do we need a constitution? Next. I am writing the questions again. Ma'am, next question. मैम कॉपी पेस्ट कर दो. क्यों? आई डोंट नीड योर फ्री एडवाइस. मैम मैम यस मैम मैं बोलूं मैम कि फिर वो वाला मतलब वो कर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिख दिया मैम, तो फिर वो लिखने का मैम ऑन ऑन तुम्हें जो आता है आपने ये बीच में बोले मगर चुपचाप लिखो. हेलो मैम. Yes. मैं आपने चैट में कौन सा क्वेश्चन भेजा है? जो अभी मैंने लिखवाया है. ओके मैम, क्योंकि मेरा कॉल आ गया था ना. बीच में कॉल आता है तो नहीं उठाना है. हम अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो इफ इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू कट द कॉल. मैम कट भी नहीं कर सकता है, इधर तो बोलती है मम्मी इसलिए. इतने ही है ना क्वेश्चन? निजेश वीडियो ऑफ नहीं करना है बार बार.
4-1 हो गया है। ये डन बेटा। तीनों के तीनों आए तुम्हें? यस मैम। ओके, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। मैम हमारा बाकी है। कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, अगर करोगे ढंग से तो कल फायदे में रहोगे। मैम आप यही क्वेश्चन से पूछोगे कल? मुझे याद नहीं, मैंने चाय नहीं पी तो मुझे याद नहीं। मैम पी क्या होना बता दो मुझे। हम यही पूछोगे तो मजा आ जाएगी। काव्य हुआ, चलो दिवांश वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? मैं उसका ऑन ही है, मुझे विजिबल नहीं है। व्योम? हाँ मैं पानी पी रहा था। तो वीडियो ऑफ करके पिएगा तो क्या हम लोग तेरा पानी पी लेंगे? एक्सक्यूज तो अच्छा दिया करो। मैम ग्लास दिखाओ। नहीं देखना। सब्सिडियरी अलायंस की पूरी शॉर्ट नोट लिखनी है? तूने पहले ये तीन आंसर लिख दिए। मैं पर ऐसे ही पूछ रहा हूँ, लास्ट में। नहीं, पहले तीन आंसर खत्म होगा ना तो मुझे बोलना। अंगिका कुछ जल्दी खत्म हो गया ना इसलिए मैंने उसको लिखने को दिया। मैम यस खुशी। मैम मुझे थर्ड आंसर नहीं आता तो मैं उसकी लीव कर दूं उसको? हाँ थर्ड आंसर नहीं आया आपको? डेलहाउसी रिफॉर्म नहीं आया? नो मैम। हेड के लर्न करो अभी। ओके मैम। और मैं ओरल सुनूंगी फिर आपसे। ओके मैम। मैम पहले करूं कि बाद में? अभी लर्न करो बैठ। ओके मैम। बाद में आपके घर में थोड़ी आऊंगी मैं लेने। ओके मैम मैं टेक्स्ट बुक लेके आती हूँ। आगी हो गया? नहीं मैम। मैम मैम ये जो डेलहाउसी रिफॉर्म्स है उसमें वो लिखने का ना, जो जो उसने क्या क्या उससे बेनिफिट हुए थे हमको, तुम लिखो फिर मैं आंसर सुनूंगी तुम्हारा। मैम मैम ये तो लिखवा रही हूँ मैं। हाँ बोलो बेटा। मैं ऐसा पूछू शॉर्ट नोट में, जैसे आपने सब्सिडियरी अलायंस की शॉर्ट नोट बताई तो उसमें जो भी हुआ था वो सर हम लिख सकते हैं ना? जो भी क्या बेटा? मैम जो भी हुआ था उस टाइम वो ही लिखना है बेटा। सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस, राइट? हु इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस, उसके कंडीशंस क्या थे तीन वो लिखना है, उसके विक्टिम्स कौन थे और बाकी जो भी हुआ। ये 3-4 मार्क का शॉर्ट नोट है बेटा, तो अब सोच लो आप कितना लिखोगे।
ठीक है। अभिमन्यु डन। अभिमन्यु व्हाट यू हैव रिटन इन द डेलहाउसी? वेट, लिखने दो, दो मिनट प्लीज। मैं नहीं उसको अभी बोलूंगी। अच्छा अभिमन्यु, सब्सिडी अलायंस आंसर आता है आपको? आता है बेटा? शॉर्ट नोट ऑन सब्सिडियरी अलायंस अभिमन्यु, यस और नो? नो, लर्न इट। चलो लर्न करो, लर्न करो। मैम मेरे तीन वाले हो गए। अगर सब्सिडियरी अलायंस आता है तो लिखो, वरना लर्न करो। यस मैत्री, डन? यस मैम, सिर्फ रिफॉर्म्स वर मेड बाय डेलहाउसी वन में आया। स्टार्ट लर्निंग। बच्चा कल एग्जाम है तो आज सुबह तो सबका खत्म हो जाना चाहिए था। अगर अभी भी आप मुझे ये बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, इसीलिए आज मैंने टेस्ट लिया। मैम कौन सी शॉर्ट नोट लिखनी है? सब्सिडियरी अलायंस। आदित्य? Yes, ma'am. ये सब आता है? मैम मुझे रिफाइन कंस्टिट्यूशन नहीं आता, मुझे सब्सिडियरी अलायंस भी आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लर्न कर दो, वो तो दो ही लाइन की है, फिर सब्सिडियरी अलायंस लिखना शुरू कर दो। H3 डन बेटा? यस मैम। ऑल थ्री? यस मैम। गुड। इट इज 4:08, 2 मिनट लेफ्ट। उसके साथ दिखाना है, शॉर्ट नोट के साथ? नहीं, मैम डन। शॉर्ट नोट क्या थी? दिवंश हो गया तेरा, तीनों के तीनों? मैम डन। मैम शॉर्ट नोट कौन सी थी? सब्सिडियरी अलायंस। वो मैं उस इस टाइम पीरियड में नहीं गिनूंगी, सो डोंट वरी। अलायंस Vedant, Aditya, how long beta? Wait, beta. Nijesh, how long you will take? हाँ, किसे doubt था? Ma'am. हाँ रुद्राक्ष बोलो। Ma'am first वाला आधा ही आता है। Learn करो। फर्स्ट वाला नहीं आता तो क्या करो? मैम मैंने थर्ड वाले में 2 पॉइंट लिखे, चलेगा? अभी देखो जो आता है लिख, मैं भी सारे आंसर पढ़वाती हूँ तुझसे, तो मुझे पता चलेगा जिसको कहाँ पे क्या करेक्शन करना है। चलो टाइम इज टाइम ओवर, जिसने जितना लिखा खत्म। अभी वेनिशा, मैम व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट आंसर हैव यू रिटन? यस मैम, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज़ विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट कांट रन स्मूथली एंड कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स नेशनल गोल्स एंड एम्स like democracy, socialism and national unity. अगर यही आंसर आप कल लिखोगे, अगर ये 2 मार्क का होगा तो मैं आपको 1 मार्क दूंगी। आपके स्कूल में लिखवाया है ये बेनिशा? यस मैम। ओके देन आई विल गिव यू, देन आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हेच श्री आपने क्या लिखा? यस मैम।
We need a constitution as it gave us right to all peoples of the nation. There will be no discrimination of religion. People will get right to think about nationalism, so it provides us fundamental rights and they are soul of our nation. Okay, school mein likhwaya hai beta aapko ye? No ma'am. So, digest mein no ma'am, from chapter. I have seen your videos and from that, from chapter I have made it. Okay, actually if you have taken from the chapter na beta, yes Nijesh, come to the page number 15. You can write in your own words, but you have to add few words in that. Come to the page number 15, upar hai, first paragraph, dekho. Usme likha hai, why do we need a constitution? What if there is no constitution? No country can function without a constitution. Aapko shuru karna hai, no country can function without a constitution. A constitution serves many objectives. It is a document which finally waves the ethos and ideas of a country. It tells about the kind of government a country would have and how to run the administration of that particular country. यहाँ तक आंसर लिखना है, two mark, right? जैसे कि कुछ words है, finally weaves the ethos. This all you have to add. Understood, Hitchri? Okay. I have already discussed this all question answer. Whenever I have done the textual question answer, Kavya ne hame bataya tha ye answer. Right, Kavya? So, sabhi jan present the, Hitchri is a new student. Isliye usko tick karwaya, baki sab present the. Yes, Venisha, you can go with your school answer. Because if you will write my answer, to shayad school mein aapko galat dege. So, aapko school ke answers ke hisab se hi jana. Theek hai? Devansh, tumhara answer batao. Yes. मैम आपने जो नो कंट्री वाला बोला ना रुद्राक्ष बेटा पहले रिजाइन करना है मैम मुझे नहीं आता तुझे नहीं आता है ठीक है उसको दो टाइम लिख के लर्न करके रखना आंसर कहां से लिखना है वो तो पता है ना यस मैम ठीक है कल जो भी एग्जाम देंगे और जिसने जो भी चीज नहीं लिखी होगी जब हम ऑफलाइन मिलते तो अगर आपको याद होगा देवांश को काव्य को देवांश नहीं था सॉरी काव्य को याद था जितनी भी मिस्टेक होती है उसको तीन बार लिखना होता है नेक्स्ट वीक जब मैं डिस्कस करूंगी सबको बता भी दूंगी जिस बच्चे को क्या तीन बार लिखना है वो वर्क नहीं होता है तो उसको 20 बार लिखना होता है क्लियर एंड दिस टाइम आई रियली मीन इट आई एम गोइंग टू टेक अ स्ट्रिक्ट फॉलो अप Yes, Vyom, tune kya answer likha hai? Ma'am, no country can run without a constitution. It is documentary, finally views ethos and ideals of the country. That's why we need a constitution. Okay. Aur thoda add karna hai. It tells about the kind of government a country would have. Do mark ka answer hai. Socho. Theek hai? Kavya answer batao. Yes, ma'am. We need a constitution because of no country will run without constitution and it document was finally views from ethos and ideals for our country and that's why we need a constitution. I won't give you 2 mark. Learn thoroughly, learn properly. Okay? Angi, I want your answer. Yes, sir. Ma'am, it is a rule of a nation. A constitution is needed because it determines the relationship of the citizen and there will be no discrimination between the peoples. School mein likhwaya beta ye answer? No, ma'am. Maine textbook mein jo bola hai, wo learn karo beta. ठीक है माधवन तुम्हारा मुझे सेकंड नहीं आया था तो मैं क्या करूं वो भी 3 बार लिखूं या आपको लर्न दूं दो बार तो कंपलसरी लिखना है मींस कैसे करोगे एक बार देख के लर्न करके लिखना दूसरी बार देखे बिना करना तो वो हो गया जब भी मैं आपको चीजें 2-3 बार बोलती हूँ ना तो डोंकी बनना नहीं है सबको कॉपी नहीं करना है स्मार्ट डोंकी बनना है ना
एक ही बार लिखना होता है, बाकी बार लर्न करके उसको देखे बिना लिखते, उसको उसको स्मार्ट डोंकी बोलते हैं, है ना माधवन? सब हमसे मजूरी तो करवाते हैं पर हम स्मार्ट वाले हैं। तेरा आंसर सुना? मैंने जितना आया उतना लिखा मैं। आज जितना आया उतना सुना तो सही, मैं कल के लिए मेंटली प्रिपेयर रहूं कि मेरे बच्चे ऐसे ही लिखने वाले हैं। मैं आज शाम को सारी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। No country can function smoothly without a constitution. फिर अच्छा बीच में फिर लिखा है तूने? नहीं मैम, फिर मैंने लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंट्री हैंडराइटिंग पता नहीं चल रहा है। फाइनली मैम एक ही मिनट, फाइनली वेव्स नहीं होते बेटा, वीव्स होता है। वेव का मतलब हटाना, वीव का मतलब उसको ढालना, लिखना। द इथोस एंड आइडियल्स ऑफ द कंट्री मैम, फिर मैंने लिख दिया द काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है वेदांत, पढ़ो तुम्हारा आंसर। No country can function without a constitution. A constitution serves many objectives. It is the document which finally gives the ethos and ideas of our country. Zyada learn karna hai Vedant. Aditya, your answer. Yes, ma'am. We need constitution for work our country. Because no country functions without constitution. Constitution is a document form of ethos and ideals to form. तो ये आप सबने ये line नहीं लिखी है। From constitution we come to know what type of government a country is running, right? From constitution. ना हम लोग मुझे तो पूछा ही नहीं। We come to know what type of administration that country. So please add this 2 points. Dia. Yes, ma'am. What have you written? Ma'am, in मेरे स्कूल में जो लिखा है था वो मैंने लिखा है। Yes, school वाला बोलो। We need a constitution because constitution serves many objectives. It is a document which finally views the ethos and ideals of our country. Constitution is very important for our country. Okay. Now, Vanisha, have you written the third answer? Reforms of Dalhousie? Ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, aapne mujhe to pucha hai nahi. Sorry, beta. Sorry. Yes, ma'am. Wait. Khushi, bolo. Yes, ma'am. The systematic complication of set of rulers to run the government of the country is known as the constitution. Can we written or unwritten form our constitution states with preamble? ये तो definition of constitution आपने बोला। मैंने इसने तो copy to copy लिखी है। क्यों? बीच में नहीं बोलना है। ये आपको school में लिखा है मैं। बेटा ये definition of constitution है, ये सही लिखा है। मैं पूछ रही हूँ why do we need a constitution? ये वाला answer लिखा? ये वाला नहीं, मैं स्कूल में जो लिखा था ना वो वाला। अरे बेटा मैंने 2 questions पूछे, 3 पूछा है। सबसे पहला था why do we need a constitution, दूसरा पूछा था definition of constitution। तुमने मुझे जो आंसर दिया वो definition of constitution है, पर जो पहला वाला question था why do we need a constitution उसका आंसर लिखा? हाँ, उसका आंसर पेज नंबर 15 में है। आपके स्कूल में भी यही आंसर लिखवाया है। ओके बेटा, चलो निजेश तेरा वीडियो ऑफ मत रख। क्या लिखा तूने? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा?
you were asking me about the third question. Yes, Manisha. Thank you. मैम आपने मुझे तो पूछा ही नहीं. किसे पूछा नहीं मैंने? रुद्रा. मैनिशा रुद्रा के पूछने के बाद तुम आंसर डिस्कस करना. यस मैम. इसे पूछ रहे वो तो पता नहीं क्या नाटक कर रहा है नीचेश. हाँ चलो रुद्राक्ष. यस मैम. मैम रुद्राक्ष के बाद फिर मैं थर्ड आंसर सुनो प्लीज. नहीं पहले मैनिशा सुनाएगी. अभी डोंट वेस्ट माय टाइम. चलो रुद्राक्ष फटाफट से. यस मैम. Constitution of India is necessary because it is the document which final ethos and ideal of the country. फिर मैम मैंने लिखा है कि to run the government smoothly constitution is necessary and no country can run without a constitution. Okay. See, it is not wave, it is waves, ethos, okay. Not ethos, okay? जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, spelling mistake वैसे ही करोगे. Okay, Venisha, I want to hear from you a Dalhousie reforms. Okay, ma'am. The reforms made by Dalhousie in India were as follows. He started the railway, the telegraph and the postal system. The first railway line was started from Mumbai to Thane in year 1853 CE. He introduced the modern postal system in India. It was during his tenure that the telegraph system was started between England and India. Now, second point. He passed a law to ban child marriages and advocated window remarriages. Ma'am, done. एक point रह गया बेटा. English education. The first three universities in India were established in Mumbai, Chennai, Kolkata in the year 1857. Yes, ma'am. Ma'am, Mumbai, Chennai और दिल्ली में नहीं था? नहीं, मैंने दिल्ली में से उठा के उसको कोलकाता में डाल दिया वो university को. ठीक है वैनिशा, ये रिफॉर्म्स में से किसी ने भी एक रिफॉर्म नहीं लिखा होगा उसका एक मार्क कट हो जाएगा. सेकंड आई वांटेड टू डिस्कस रिफॉर्म्स के साथ जहां पे भी ईयर है जैसे कि रेलवे लाइन 1853, यूनिवर्सिटी 1857, जिसने भी ईयर नहीं लिखा होगा उसका एक मार्क कट जाएगा. मैम वो टेलीग्राफ और वो क्या था टेलीग्राफ और मैम वो मैंने नहीं लिखा था इसीलिए. हाँ, तो गलत है बेटा. देखो उसके रिफॉर्म्स कैसे है. सबसे पहला रिफॉर्म है मुंबई टू थाने. वैनिशा ने आंसर परफेक्ट स्टार्ट किया. आपको सिर्फ उसके तीन रिफॉर्म पॉइंट में नहीं लिख देने हैं. आपको आंसर ऐसे ही शुरू करना है कि ड्यूरिंग डेलहाउजी टेन्योर देयर वर मेनी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय डेलहाउजी दे आर एज फॉलो राइट. या वैनिशा ने जिस तरीके से बोला आपको इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी है. First railway line was started between Mumbai to Thane 1853. During Dalhousie tenure, modern postal system started in India. And the wireless system between India and England was introduced. Ye uska second reform hai. Third reform, he passed the law to ban child marriage and advocate remarriage. And the fourth reform, first three universities in India were established in Mumbai, Chennai, Kolkata in the year 1857. All these reforms were basically for the expansion of the British rule and ease in administration. You even have to add this line. Clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And this answer we have to write in paragraph because in school, ma'am has make us write in point. Ma'am. कोई भी answer होता है ना बेटा सी SS में जितना point wise लिखोगे not only in standard 8. But 9 and 10, it will always help you. Okay? Ma'am. Ruko Madhavan. Uncivilized Indian. Itni baar bolne ke baad bhi raise hand nahi karta. Matlab? Kuch nahi. Ma'am. Bolo. Madhavan, doubt poochho jaldi. Ma'am, main keh raha tha ki phir ma'am mera ye mere ko bahut saari do teen mistakes lag rahi hai mere mein wo paragraph mein. Ma'am, aap sun lo na ek baar. हाँ सुना मैम. द फ्रीक्वेंट पॉइंट्स
of Dalhousie reforms are given. Frequent kya? Oh, frequent nahi ma'am. The following. Kya? माधव तू पहले मुझे बता तू लर्निंग कहाँ से करता है? कोई मटेरियल है तेरे पास? खुद बना के लिखता है बच्चा? मत बनाओ, तू पोस्टमार्टम कर देता है पूरे आंसर का। मैं इसीलिए तो आपको टेक्स्ट बुक में टिक करवा देती हूँ, आपके लिए थोड़ा स्पून फीडिंग कर देती हूँ। पढ़ो मैम। ही स्टार्टेड द रेलवे रेलवे एंड द पोस्टल सिस्टम। एक मिनट मैम, हम एक बात कह दो जब तक। स्टार्टेड द रेलवे द टेलीग्राफ एंड द पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम द रेलवे लाइन वाज इन मुंबई ना, थाने टू मुंबई इन द ईयर। मुंबई नहीं था, मुंबई टू थाने था। 1853 CE, he made the postal system in India. He passed a law to ban child marriage and order that widow can remarriage. Fir university were made in Mumbai, Chennai and Kolkata. मैं एक बात कहूँ आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है था ना, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे हमारे स्कूल में लिखा है व्हाई डू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। सेम आंसर है दोनों का आंसर सेम। रुको व्योम, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी और व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है देवंश, सो डोंट गेट कंफ्यूज एंड राइट द आंसर फ्रॉम योर स्कूल। आज मैं इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जब मैं पेपर चेक करूँ तो मुझे ऑफलाइन होता है तो मुझे सभी बच्चों की नोटबुक पता होती है, तो ऐसा ना हो कि मैं किसी को गलत दे दूँ। ठीक है, इसीलिए मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि भाई आपको स्कूल के आंसर भी लिखोगे तो मैं राइट दूंगी, पर और सही होना चाहिए आंसर। ओके व्योम, क्या बात है आपका? मैम मुंबई टू थाने था या मुंबई एन थाने था? मुंबई एन थाने या मुंबई टू थाने? थाने टू मुंबई चलेगा। चले, रेलवे लाइन है तो रेलवे शुरू की है उन्होंने, सबसे पहले मुंबई टू थाने शुरू की थी। ओके क्लियर, तो सबको पता चला ये डेलहाउसी रिफॉर्म्स में कहां किसने क्या गड़बड़ की है और कैसे लिखना है। अभिमन्यु तुम्हें पता चला बेटा? यस मैम। किसी को कोई डाउट है अभी? मैम मुझे। मैम मोस्ट ऑफ सारे पॉइंट्स अगर पॉइंट्स में लिखे तो चलेगा? मतलब मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन पॉइंट्स में लिखे तो चलेगा? चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे ना मैम? नहीं कटेंगे, पर वो पॉइंट्स में आंसर होना चाहिए। अब मैम डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पैरेलल मतलब ये सिस्टमैटिक कंपाइलेशन वाला ही है ना? हां हां वही है, वही है। वो तो इजी है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैम वो है ना, व्हाट आर साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में ना, फिर मैम उसमें तो सिर्फ वो पांच है ना, डेमोक्रेटिक रूल, सेक्युलरिज्म, मैम वही हमको लिखा है उसके जो आपने पूरा लिखवा था कि ये पूरा पैराग्राफ लिखने का कि डेमोक्रेटिक रूल में हम हमारा जो हम डेमोक्रेसी है और फिर हमको 18 ईयर्स से हम वोट कर सकते हैं, वैसा मैम हमको तो ऐसा कुछ नहीं लिखवाया। यानी कि आपको वो वन मार्कर में लिखवाया। मैम अगर आपको ये पूछे, आप ये पूछे के ये पांचों, तो हम ये पांचों के पूरे का पूरे पैराग्राफ लिखने पड़ेगा, कोई भी तीन लाइन करना। ठीक है मैम, कोई भी जोड़ रखो ना। नहीं तीन, वो तू सब्जी लेके आया है मेरे साथ बार्गेन कर रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है। मैम वो पूरा मत पूछ लेना, मैं वो पांच साइलेंट फीचर सारे मत पूछ ले, तू बोलेगा वैसे ही मैं करूंगी। ठीक है, तू टीचर है। मैम ऐसा तो हम आप बोलते हो तो आप हमको पेपर ही दे दो। हाँ वही तो बोल रही हूँ, वो टीचर है। चलो अभी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, आई एम गोइंग टू चेक अ वेरी स्ट्रिक्ट वे पेपर।
आपको पता चल गया आज कि ये सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर लिखा तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, बहुत बुरी तरह से लिखते हो। अगर ऐसा ही लिखोगे तो आपको हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा। तो कल प्लीज लैंग्वेज ढंग से यूज करना, खुद का बना के आंसर मत लिखना अगर आपको आता नहीं है तो। टेक्स्ट बुक में मैंने आपको सब टिक करवाया और लर्न कर देना। टेक्स्टबुक के पीछे के क्वेश्चन ही पूछोगे ना? वही पूछूंगी। ओके गुजरात बोर्ड यू कैन लीव नाउ। मुझे पता नहीं कि मैं कल एग्जाम दूंगी या नहीं। कोई बात नहीं बेटा, वो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे। ओके नाउ यू कैन लीव। यस माधवन, एग्जाम में अच्छे मार्क्स देना। माधवन अभी तू नहीं जाएगा ना तो जीरो कर दूंगी। खुशी यू कैन लीव। हाँ साधनी, अभिमन्यु लीव। मैम मैं ना मैम कल एग्जाम नहीं दे पाऊंगा मैम, क्योंकि ना कल मैम मेरे को बाहर जाने का है। पेपर को वर्कशीट के हिसाब से सॉल्व कर देना। ओके मैम। यस हाँ मैम। यस रुद्र नारायणपुरा, क्या डाउट है मैम? जीबीएसई में और जीबीएसई का सीबीएसई में मैं आप पीछे के क्वेश्चन आंसर दिए उसमें से ही पूछोगे? ओके मैम। और एक और चीज बतानी थी, माधवन है ना वो पहले मेरी स्कूल में था, उसने स्कूल चेंज कर दी। हाँ मैम मेरे क्लास में ही था। आप कौन से स्कूल में थे पहले? मैं अमृता विद्यालय। क्या बात है, दूसरा रुद्र पटेल भी उसकी शक्ल दिखा रहा है। मैम आज डाउट सेशन होगा के वही चैप्टर कंटिन्यू कर रही? डाउट सेशन भी होगा और चैप्टर भी होगा, दोनों साथ में होगा। धार्मिक, देवम, काव्य, एक दृष्टि, कथन, तनिष्का, यश, चलो सिविक्स कर रहे हैं। मैम मैंने आपको बोला था ना मंडे तक। हाँ यार वो एक वीक तक, सॉरी मैम मैंने भी बोला था। मैं क्या कर रहे थे? सॉरी लास्ट वीक हमें ये वाला कर रहे थे, पेज नंबर 49 में थोड़ा बाकी है, पहले वो खत्म कर लेते। चलो मैम। हाँ मिताली। मैम हमारा लेक्चर वो शफल हो गया ना, इसलिए अब से मैं घर पे ही हूँ। अच्छा शफल हम यही टाइम पे नहीं मिलते थे पहले? मैम ऐसा नहीं, डे चेंज हो गया, डेज चेंज हो गए। अच्छा एग्जाम के पहले दिन की खुश खबर। ओके नेश्वी वीडियो ऑन करो। दृष्टि, दैविक, मांजर, धार्मिक। मैम 2 मिनट। हाँ मैम 2 मिनट। कम ऑन टू पेज नंबर 49। वी वर डूइंग अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। यस यश। मैम अभी जॉय नहीं आया है। जय नहीं आया है, पंक्ति नहीं आई है। मैम इस बार मेरी चांस है महावीर। पिछली बार मैम आप मेरा नाम ले ही रहे थे कि वो देविक बोल पड़ा, आप बोला था महावीर। मैम रुद्र का भी। मैम जय ने मुझे बोला था कि वो आज बाहर जाने वाला है, सुबह ही नहीं फोन किया था ना इस तब। ठीक है मैम हम सिविक्स कर रहे हैं। बेटा पेज नंबर 49 में थोड़ा बाकी है। शौर्य वीडियो ऑन करो। थोड़ा सा मेरा एक्सप्लेनेशन उसमें बाकी है। मैम आपको पता है कल आप बात कर रहे थे ना कि कोई लड़कियां भी लड़कों को अब्यूज करती है। मैम नया केस ही आया था लखनऊ में, मैम ट्रैफिक में लड़की ने क्या मारा था उसको, भी बहुत वो वायरल हो रहा है। 20 थप्पड़ पड़े थे।
हाँ मैम, मैम उसकी कोई गलती नहीं थी, ड्राइवर की, मैम ड्राइवर की गलती नहीं थी, फिर भी उसको पता नहीं क्यों उठ के मारा। मैम उसको डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ी बोलेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलते हैं, पर अब्यूजिंग एनीवन इज आल्सो रॉन्ग ना, दैट कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ, दैट कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ, इट कम्स अंडर द क्रिमिनल। मैं उसका फोन भी तोड़ दिया, गाड़ी को भी हार्म पहुंचाया, पत्थर और मारा गाड़ी को। हाँ okay. मैम उसका रीजन ये था फोन तोड़ने का कि उसने ना, ड्राइवर था तो फोन आगे होना चाहिए, मैप्स गूगल मैप्स खुला होना चाहिए, उसने साइड में फोन रखा इसलिए मैंने तोड़ दिया। ओके आई गेस सो पंक्ति एंड जय विल नॉट जॉइन टुडे। शौर्या चलो, I will start page number 49. We were doing unpopular and controversial law. धार्मिक देखो कोई doubt है तेरा raise hand है? Yes ma'am. बोलो. ma'am लड़का लड़की से मतलब self defence में भी ma'am बच नहीं सकता ऐसे मार के? Self defence में कौन क्या? ma'am लड़का self defence में लड़की को नहीं मार सकता ना? मार सकता है। क्यों मैम, फिर भी गलती तो लड़की मैम पता है, अभी बीच में ये जब केस आया तब क्या वीडियो वायरल हुआ था कि सब लोग, एक इन्फ्लुएंसर है उसने कहा था कि सब लोग हेलमेट पे कैमरा लगा के चलो, इसलिए प्रूफ मिले सबको कि देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, सामने से मारने आ रही है। Yes. ये सब एक्सेप्शनल केसेस है बेटा, अगर हम रेशियो देखने जाए सारी चीज गवर्नमेंट रेशियो पे वर्क करती है। ठीक है ओके, let us now look at the situation where parliament passes a law that turns out to be very unpopular. Ma'am, किसको doubt है? यश को। Ma'am doubt नहीं है, ma'am हमने unpopular and controversial laws कर दिया था। ये बात है मुझे, मैं उसको थोड़ी summarize करवा रही हूँ। हमने ये पढ़ा कि government का जो भी law होता है कई बार people उसको भी criticize करते हैं when they feel that such law can harm them. Such one group of people can be harmed and one group of people can be benefited. तो हमने with example ये पढ़ा था pavement वाला। अब side में box है, as you read in the earlier section on the rule of law, that law is equal for everyone, that is rule of law. Indian nationalists ने कई बार protest किया था arbitrary laws जो British rule करवा रहे थे। ठीक है, तो हमारे हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज के स्ट्रगल थे। हमने स्टैंडर्ड 7 में भी ये पढ़ा था दैट देयर वर फ्यू स्ट्रगल्स नॉट ओनली इन इंडिया बट देयर वर फ्यू स्ट्रगल्स व्हिच वाज डन इन अमेरिका आल्सो, सच एज रोजा पार्क, शी वाज एन अमेरिकन अफ्रीकन वुमन। उसने पास किया था सिविल एक्ट आफ्टर हर रिवॉल्ट, there was an act passed, Civil Rights Act in 1964. Standard 7 की civics book में हमने ये पढ़ा था कि ये African American women है, एक बार वो बहुत उसकी job से थकी आ रही, bus में travel कर रही थी और एक white person आया और उसने ये बोला कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा because you are black. So she refused to give up her seat on a bus, right, to a white man. This incident was happened on 1st December 1955. She was protesting a law. उस वक्त ये law चल रहा था कि अगर आप कोई भी local public transportation में travel कर रहे हो और अगर white आपको बोल रहा है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और आपको उसकी seat आपको provide करनी पड़ेगी, right? Segregation that divided up by the public space, streets, public transportation and everything. So there was a description between the white and the black, specifically African American. ये protest में एक movement शुरू हुई, right of movement, यानी rights. They also have a right if she is being seated, though she is an African American. It is not necessary that a white can come and demand कि भी आपको खड़ा होना पड़ेगा. जिसकी वजह से एक एक्ट पास होने में आया जिसमें रेस यानी कलर से
रिलीजन से या नेशनल ओरिजिन, यूएस में ये तीन जगह से आप कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सिविल राइट एक्ट 1964 वाला। तो प्लीज अंडरलाइन, महावीर एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लो। मैम मेरे को आपने मेरे को दो पीरियड से नहीं दिया। मैम अंडरलाइन क्या कर रहे हैं? बताती हूँ मैं यश, रुद्र उसके बाद वाला तुम्हें पढ़ना है। पक्का मैम? पक्का पक्का। महावीर ये खत्म कर लो, और जहाँ यश ध्यान रखो मैं रीड करेगा महावीर तब बोलूँ की कहाँ पे अंडरलाइन करना। मैम एज यू रीड पढ़ना है ना? यस बेटा। As you read in the earlier section on the law of on the rule of law, Indian nationalists protested and criticized arbitrary repressive laws being enforced by the British. History provides us with several examples of people and communities who have struggled to end unjust laws in your class 7th book. You read of how Rosa Parks, an African American woman, refused to give up or seat on a bus to a white man on 1st December 1955. She was protesting the law on segregation that divided up all public spaces, including the streets, between the whites and the African Americans. Her refusal was a key event that marked the start of the civil rights movement, which led to the Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin in the USA. Okay, so you have to underline Civil Rights Act 1964. Tanishka, you have a doubt, beta? Yes, ma'am. In last lecture, I asked that how do people get these thoughts, like if other people are black, then they won't get a seat, and if they are white, they will be treated like good people. How in India we got thought that Shudras and Dalits are untouchable? Yes, Agnik, what? मैम स्टीरियोटाइप थिंकिंग की वजह से जो लोगों के मन में उत्पन्न हो, ये कौन करता है? मैम जो लोगों के बोल रही है ये कौन करता है? मैम रिच पीपल, रिच पीपल। मैम ब्राह्मण से स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मोर वैल्यूड एंड हैव अ स्टेटस इन दैट कम्युनिटी, राइट तनिष्का? फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स, व्हेन दे वर व्हेन द वर्णास वर डिवाइडेड, it was done by Brahmins or the king or the royal people from that particular community, and they themselves divided this. Brahmin, because wo bhagwan ki puja paath karte to wo zyada prestige aur zyada status mein hai, unhone ye bola ki acha ye hamare village ko clean kar rahe hain to ye gande hai, ye untouchable. Same way in US, African American was discriminated. Why? Long back, the African people were enslaved by America. वहां से अफ्रीका पहले से बहुत गरीब देश था, और अगर आपको पता चले तो वो डार्क कॉन्टिनेंट है, काफी सालों तक तो किसी ने ढूंढा नहीं था अफ्रीका, पता है आपको? पता नहीं था, और जब पता चला तो वो बहुत पुअर था, तो वहां से लेबरर को उठा के यूएस में ऑलवेज लेबर की प्रॉब्लम रही है, चीप लेबर की प्रॉब्लम रही है। काफी इंडियंस भी वहां पे जाके क्या कर रहा है, लेबर जॉब ही कर रहा है। अफ्रीका के लोग भी वहां पे जाके लेबर जॉब कर रहे थे, राइट? वो क्लास में लो थे, क्लास में जब बात करूं तो रिच एंड पुअर, जब उनकी वैल्यू कम होती है तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। सेकेंड, माइनॉरिटी। हमारे कंट्री में क्यों दलित के साथ होता है? मेजॉरिटी हिंदू है, वो माइनॉरिटी है। समझ में आया तनिष्का? मैम पर दलित भी तो हिंदू ही होते हैं ना? नहीं, दलित अलग होता है हिंदू से। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, देखा मीन शेड्यूल कास्ट, they are not Hindu. If they have to fill their form of education, आपको पता है form में होता है Hindu, schedule caste, schedule tribe and other backward classes. I'm general होता है, general.
general, generally general, right? So they come from scheduled caste. They are not Hindu. So this all discrimination division is done by us, Tanishka. उस सोसाइटी में जो रिच होता है वो सोसाइटी में जिसका स्टेटस हाई होता है वो डिसाइड पहले से कर दिया, फिर वो फॉलो होता गया फॉलो होता गया फॉलो. जैसे आमिर खान के पिक्चर में है ना, भगवान कोई स्टैम्प लगा के नहीं भेजता है कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है. ये स्टैम्प हम लगाते हैं पीके. बस वैसा. हाँ, पीके मैम. थप्पा है ना तनिष्का. तो ये सारी चीज हमने की है. जब यूएस में ये अफ्रीकन पीपल लेबरर कर रहे थे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, क्यों? क्योंकि ये गरीब है, ये लेबर वर्क कर रहे हैं, राइट? आधा कारण ये भी है कि अफ्रीका को किसी ने नहीं ढूंढा क्योंकि वो में वो चीप है, वहां पे ना ट्रेडिंग इतना नहीं कर सकते अपन. यस, इट वाज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट. इट वाज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट. देविक तेरी 5-10 मिनट अभी तक खत्म नहीं हुई, तू गायब ही है. कितना नेट बचाते हो वीडियो ऑफ करके तुम लोग? गेम खेलने के लिए नेट बचाते हो? नहीं मैम, कहां से गेम. मैम मैं आज घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ इसलिए. अच्छा ओके, कोई बात नहीं. रुद्र नारायणपुरा, कम टू द पेज नंबर 50. देयर इज टू पैराग्राफ, जस्ट फिनिश दैट टू पैराग्राफ. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 जुडिशियरी. डू यू रिमेम्बर द फोटो essay on the women's movement in the class 7th book? The photos there showed the different ways in which citizens can protest, campaign and show solidarity. The following pictures point to the other ways in which people protest unjust laws. We need to remember that our role as citizens does not end with electing our representatives, rather it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. Thus, what we should bear in mind is that it is the extent in involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament perform its representative function properly. Okay. Any doubt? We have completed this chapter. Okay. मैं मुझे geography में doubt है. क्या doubt है मेरे? जब हम geography तब पूछोगे, अभी तो exam नहीं है ना. बोला इसको. मैं बोल रहा हूँ कल की exam है ना geography chapter 2. मैं last में भी चलेगा. हाँ, मैं last 10 minutes doubt session ही करवा रही हूँ, जिसको अगर कोई doubt है. रुको, तुम्हारे स्कूल में सैम वन का नहीं आया ना डेट? नहीं मैम. मैम मैम होगी तो सितंबर में ही, वो तो फाइनल ईयर. मैम मैम वो होगी तो सितंबर में ही. हाँ हाँ यश बोलो. मैम मुझे मेरे स्कूल में जो पॉपशीट आया ना उसमें एक डाउट है. लास्ट 10 मिनट में सॉल्व करो बेटा सारे डाउट्स, भी जो डाउट है. ठीक है बेटा? यस मैम. चलो, नाउ कम टू द जुडिशरी पार्ट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर, सो नेक्स्ट वीक आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर. और इसके बाद हम शुरू करेंगे हिस्ट्री या ज्योग्राफी. मैम मैं रीड करूं? मैम ज्योग्राफी. मैम रुको रुको, मेरा तो बहुत थोड़ा ही था, मैं रीड करूं? अरे तो मैं बोला मैंने बोला रीड करना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. चलो, अब ये चैप्टर है हमारी जुडिशरी के बारे में, थर्ड ऑर्गन ऑफ आर गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो नाउ दिस इज द थर्ड ऑर्गन, जुडिशरी, राइट? दिस इन दिस जुडिशरी ऑर्गन, इट इज अ जुडिशियल सिस्टम. इट इज अबाउट द कोर्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स, वेयर अ सिटीजन कैन अप्रोच अगर उसकी कोई भी राइट्स या कोई भी लॉ वायलेट हुआ है. ये जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेसी में. और सेकेंडली, वो दूसरे दो ऑर्गन से इंडिपेंडेंट रहता है, यानी दूसरे जो ऑर्गन है वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. तो ये चैप्टर में हम डिटेल में इस पे रीड करेंगे.
Come to the page number 55. What is the role of the judiciary? Rudra, you have to start reading from there. Ma'am, I? Rudra Narayanpura. Okay, ma'am. Ma'am, from the courts take decisions from there? From there you have to start. Courts take decision on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about that the sharing of river waters between states, or they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following: dispute resolution. The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens, and the government, between two state governments, and between the center and the state governments. Okay, wait till now. Courts decision leti hai, hum sabko pata hai. ठीक है, नंबर ऑफ इश्यूज वो डिसाइड करता है कि कोई भी टीचर कोई बच्चे को मार नहीं सकता है. अगर कोई रिवर के बारे में कोई स्टेट्स को लेके डिस्प्यूट्स है तो वो भी वो सॉल्व करता है. कोई क्राइम किया है पर्टिकुलर तो भी कोर्ट पनिश करता है. तो ये जुडिशरी है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी उसके फंक्शंस बताए गए. सबसे पहला है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, उसका सॉल्यूशन लाता है कोर्ट. ठीक है, ये जो जुडिशियल सिस्टम है वो मैकेनिज्म भी वर्कआउट करता है. जैसे कि दो सिटीजन के बीच में झगड़ा डिस्प्यूट तो भी हम कोर्ट जाते हैं. सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में होता है तो भी हम कोर्ट जाते हैं. दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है तो भी वो झगड़ा कोर्ट में जाता है. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होता है तो भी वो कोर्ट में जाता है. This is the different disputes, right? इसे बोला जाता है dispute resolution. कौन से? I'm repeating, two citizen and state, two state and central and state. Clear? Now I will explain you the same thing with the example. Two citizen. मान लो दो भाई के बीच में property को लेके झगड़ा हुआ, वो जाएगा civil court में. Clear? दो सिटीजन दो भाई झगड़ा प्रॉपर्टी को लेके कौन से कोर्ट में जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे, बिकॉज दैट इज सिविल लॉ. देयर आर टू टाइप ऑफ लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल. ओके, वी विल स्टडी दैट आल्सो. दो टाइप के लॉ होते हैं. प्रॉपर्टी को लेके हुआ तो वो सिविल लॉ में जाएंगे. बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, इफ यू रिमेंबर 7th स्टैंडर्ड में हमने हकीम शेख का पढ़ा था. यस मैम, हकीम शेख मैम कोलकाता में मैं उनका कर रहा था. यस, गिर गए थे तब हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे थे. यस, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था. कंपेंसेशन किसने पे किया था? मैम कोलकाता के गवर्नमेंट ने. कोलकाता के गवर्नमेंट ने मैम पूरे 1 लाख रुपीस पे किया था. यस, ये कोर्ट में लेके गए थे एनजीओ के वो लेबरर ऑर्गेनाइजेशन वाले हेड ऑफ द लेबरर. तो ये हो गया सिटीजन और स्टेट के बीच में. उन्होंने ब्लेम किसको किया था? स्टेट को ब्लेम किया था. यस मैम. हाँ, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर भी डाला था ताकि वो उनको पैसा दे दे. अब हो गया दूसरा बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर एग्जांपल लेट अस टेक व्हेन देयर वाज नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट वाज गोइंग ऑन. मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा था. मध्य प्रदेश वॉज नॉट रेडी टू गिव द फ्यू पार्ट ऑफ फॉर द कैनाल प्रोजेक्ट. उन्हें लगा कि ये जो अगर वो ले गए तो हैबिटेशन ऑफ लोकल पीपल, उस जगह पे जो लोकल पीपल रह रहे हो उनका हैबिटेशन चला जाएगा. ये कोर्ट में चला और फाइनल रिजल्ट ये आया कि हमारी गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो भी कंपेंसेशन होगा हम पे करेंगे. जो भी हैबिटेट चला जाएगा वो हमारे पैसे से हम मध्य प्रदेश में उनको बिल्ड करके देंगे. इस तरह से नर्मदा कैनाल को लेके डिस्प्यूट चला. तो वो हो गया दो स्टेट. सेंट्रल एंड स्टेट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे यही हकीम शेख का गया था सेंट्रल में. डाउरी के काफी केसेस थे, वो गए थे सेंट्रल में. ठीक है, जब केस चला जाता है सेंट्रल पे सुप्रीम कोर्ट में तब चला जाता है डिस्प्यूट. ओके,
मैम एक बात पूछनी थी कि मैम लोग डाउरी क्यों लेते हैं, मतलब डाउरी लेके लेने से क्या होता है? काव्या को हंसी आ रही है, काव्या हम एक्सप्लेन करेंगे। ओ मैम, वो मेरी सिस्टर बाजू में बैठी है ना, तो वो भी कुछ सुन रही थी। सो मुझे पता चला बेटा आपके एक्सप्रेशन से कि आप बाजू में देख देख के हंस रहे थे। पे अटेंशन बेटा, ओके? यस मैम। सागनिक, पहले क्या होता था, एक एग्जांपल समझाओ। हाँ यस तनिष, थैंक यू मैम। पुराने जमाने में जब लड़की और लड़के की शादी होती थी, तब लड़के वाले लड़कियों से डावरी मांगते थे, मतलब कोई गिफ्ट की तरह, या तो फिर पैसे, या तो फिर ज्वेलरी, या तो फिर गोल्ड, ऐसा मांगते थे। और अगर वो दे नहीं पाते थे तो या तो फिर वो अपनी जो उनकी बेटी थी उनको टॉर्चर करते थे, वैसा करते थे। और उसके कारण वो, और एक बार ऐसा केस हुआ था कि उस टॉर्चर के कारण एक लेडी की डॉटर मर गई। तो वो उन्होंने रास्ते पे ऐसे झंडे लगाए और कहा कि उनको जस्टिस चाहिए उनकी बेटी की मौत के लिए। तो तब से ये चैप्टर में यही एग्जांपल पढ़ेंगे, दैट इज बिटवीन अ स्टेट वर्सेस सिटीजन। वेट, what his question is, why they demand dowry, what is dowry, he is not asking, he is asking why, ki kyun, wahi mam main wahi bol raha tha ki kyun dowry kyun mangte hai, because of greediness। yes Neshmi, pehle ke zamane mein kya hota tha, women ki, ladkiyon ki value nahi hoti thi, right, wo itni educated nahi hoti thi। mam ek aur reason hai, रुको कथन करें, मुझे फिनिश करने दो, देन आई वुड रियली वेलकम इफ यू विल शेयर योर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। दे वर नॉट, सी गर्ल्स वर नॉट सो एजुकेटेड, दे वर नॉट हैविंग अ गुड घर, उनके पेरेंट्स के वहां पे भी उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, शादी करने के बाद भी उन्हें घर ही संभालना था, तो यही एक सोच के साथ लोग चल रहे थे। सेकेंड, जैसे गर्ल बॉर्न होती है तो उनको बर्डन माना जाता था, उनकी शादी करवानी है, उनको दहेज देना, यही वजह से उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनपे खर्चा नहीं किया जाता, क्योंकि शादी पे उनपे खर्चा करना है, राइट। सेकंड, डाउरी इसलिए मांगते थे क्योंकि सामने जो लड़का होता है अगर वो वेल एजुकेटेड है, पेरेंट्स ने उनपे जो खर्चा किया है, तो वो ये सोच में होते थे कि जिस लड़की से वो शादी करवाएंगे अब उसे भरपाई करनी है। मैंने तो मेरे बेटे को इंजीनियर में 20 लाख खर्चा किया, तो आपको मुझे 20 लाख देना होगा तो ही शादी होगी। इट मींस वो बेच रहे हैं उसके बेटे को, समझ में आ रहा है, कमोडिटी है और उसको सेल कर रहे हैं। तो इसको एक टाइप का रिश्वत क्या मैम, ऐसा मैम ये तो बेटे के लिए खर्चा नहीं, तो बेटे का व्यापार हुआ। वही तो मैं बोल रही हूँ, वही तो चल रहा था, ये सदियों से चल रहा था, पर जब लड़कियों को जिंदा जलाना शुरू हो गया, हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे इसमें, राइट, बहुत सारी लड़कियों की मौत हुई बिकॉज ऑफ दिस डाउरी, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब नहीं, आप अपनी इच्छा से उसको गिफ्ट देते हो वो अलग है, आप फोर्स नहीं कर सकते हो, राइट। जब ये चीज ज्यादा होने लगी, तब सेकेंड एक फेज आ गया जब लड़कियों ने खुद ने आवाज उठाया, बहुत ऐसे केसेस हो गए कि शादी चल रही है और पता चला लड़की उठ के चली गई, ठीक है, अब खुद लड़की जब बात होती है और उसको पता चल गया कि मेरे पेरेंट्स से डाउरी मांग रहे, नो नीड टू गेट मैरिड, शी जस्ट वॉक अवे, पहले इतनी हिम्मत नहीं थी लड़कियों में, ओके, सो देयर वर मेनी रीजंस, तो ये बहुत सारे रीजन है। यस कथन, मैम एक रीजन ये भी होता है कि उनको उस जो लड़की पे उन पे पैसा भी नहीं खर्चना, उनसे ही पैसा ले लेना है और उसके बाद थोड़े टाइम तक वही पैसे से उसके जो भी एक्सपेंसेस है वो मैनेज कर सकते हैं। आपको नहीं पता होगा बहुत ऐसे फैमिलीज भी है जो बिलीव करती है कि जब भी शादी होती है ना तो कॉन्ट्रीब्यूशन में करते हैं,
जो भी शादी का खर्चा होता है वो यूजुअली क्या होता है, सारा खर्चा लड़की उठाती है, ठीक है, शादी का सारा खर्चा यूजुअली लड़कियां उठाती है और रिसेप्शन होता है वो लड़के वाले करते हैं, पर ऐसे बहुत सारे फैमिली है जो डिसाइड करते हैं कि वो कॉन्ट्रीब्यूट करें, बर्डन एक पे क्यों, राइट? सी दिस इज द चेंजिंग ऑफ द थिंकिंग ड्यू टू एजुकेशन। तो ये अभी काफी वक्त लगेगा, डाउरी बेसिकली डाउरी नहीं बोलते अब वो लोग, गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट अभी भी देते हैं, पर हाँ फोर्स नहीं कर सकते किसी को। यस दृष्टि मैम, और जो हिस्ट्री में चैप्टर 4 है, नो मैम चैप्टर 5 है, तो उसमें बताया है कि जो सती सिस्टम और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो था तो वो ब्रिटिशर्स ने भी बंद करवाया था। हाँ ब्रिटिशर ने ही बंद करवाया। मैम जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना, क्वीन एलिजाबेथ, उसने ना मैम जब राजा राममोहन रॉय ने इतनी आवाज उठाई थी कि ना सती प्रथा को बंद करना चाहिए, तो क्वीन एलिजाबेथ ने वहां से एक पॉलिसी निकाली थी हमारे इंडिया के लिए। वहां से क्वीन एलिजाबेथ ने नहीं किया था, विलियम बेंटिक, ही वाज अ गवर्नर जनरल एट दैट टाइम व्हेन राजा राममोहन रॉय वाज अगेंस्ट सती सिस्टम। विलियम बेंटिक हेल्प, he went to Queen Elizabeth and he asked the permission, can I make a law? In 1829 he made a law of banning sati system. हाँ मैम वही मैम, लेकिन मैम क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दिया था ना, उसको तो क्या चीज इंडिया में चल रही थी वो पता ही नहीं थी बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी वो भी उसको आधे टाइम पता नहीं थी, वो तो जब उसको इतना सारा रिवॉल्ट हुआ तब उसको पता चला ईस्ट इंडिया क्या कर रही है, ठीक है बेटा। सो विलियम बेंटिक, यस दृष्टि जब हमको चैप्टर करेगी तब वो मैं डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह से बहुत ऐसे रिफॉर्म ब्रिटिश ऑफिसर थे जो चाहते थे कि इंडिया में जो सोशल इविल्स चल रही है प्रैक्टिसेस, जिससे हमारी सोसाइटी, देखो कोई भी कंट्री को डेवलप होना है ना तो सिर्फ उसको एडुकेट कर दिया वो इनफ नहीं है। वो ब्रिटिशर क्या मानते थे कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ा लिया तो खत्म हो गया, नहीं, सोच बदलनी है तो सोसाइटी को भी ऊपर आना पड़ेगा। सोसाइटी कब ऊपर आएगी, जब सोसाइटी में जो चीजें चल रही है बैड प्रैक्टिसेस उसे निकालोगी तो ही सोसाइटी आगे बढ़ेगी। कोई भी कंट्री को डेवलप होना है तो उसकी सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी, उसकी इकोनॉमी डेवलप करनी पड़ेगी, उसकी पॉलिटिक डेवलप करनी पड़ेगी, उसका कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके पूरा कंट्री डेवलप होगा। मैम कल्चर डेवलप मतलब, कल्चर में जो गलत रिचुअल्स चल रहे हैं वो चीजें निकालनी पड़ेगी। ओके मैम, क्लियर? ओके, यस मैम, यस। रुद्र नारायणपुरा, हाँ मैम, किसको डाउट है? मैम मेरे को, मैम वो जो मैम डाउरी लेते हैं मैम, तो मैम अगर वो मतलब डिवोर्स हो गए मैम तो फिर वो मैम पैसे वापस देने के, या मैम वो बस ऐसे ही के लड़की पे खर्च दिए ऐसा सोच के जाने देने का? क्यों, तो कोई केस लड़ रहा है उस पे? तो क्यों पूछ रहे हैं, चैप्टर से कुछ लेना देना है उसको? मैम मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था। सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा है, तू लॉयर तो है नहीं कि देखो एडवाइस चाहिए, पर फिर भी तूने पूछा है तो फॉर अ नॉलेज मैं बताती हूँ। इसकी सिविल लॉ में इसकी अलग से कोर्ट होती है, डिवोर्स के लिए जाना होता है, आप पहले उसको पेपर में लिख के भेजते हो, वहां से स्टैंप लगता है, आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, 6 महीने तक आपको वक्त दिया जाता है कि भाई आपका अगर माइंड चेंज हुआ, आपको डिवोर्स नहीं चाहिए, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद अगर लगे कि लड़के ने गलती की है, ठीक है, केस लंबा चलता है, तो यस गवर्नमेंट कैन ऑर्डर, सॉरी अ कोर्ट कैन ऑर्डर टू कंपेंसेट, भरपाई बोलते हैं उसको, तो उसे उसके अर्निंग के बेसिस पे उसे भरपाई करनी पड़ती है। ओके मैम, बहुत अलग अलग प्रोसेस है, तो अगर तुझे इसमें इंटरेस्ट है तू लॉयर बनना है तो तू सोच, और अगर कुछ ऐसा केस है। हाँ मैम, एक डिफरेंस बिटवीन कौ डिवोर्स का अमेरिका और इंडिया में, अ हाई अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इज बीइंग पेड इन यूएसए। नहीं मैम, मतलब कि अमेरिका में इतने सारे डिवोर्स क्यों होते हैं और इंडिया में क्यों कम होते हैं अमेरिका से? मैम क्योंकि अमेरिका में किसी को मतलब कि अपना हस्बैंड है कि उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अमेरिका में बोलेंगे
ये मेरा हस्बैंड है, और इंडिया में बोलेंगे ये तुम्हारा भाई, मतलब कि आ तुम्हारा भाई, ये वो मुझे लगा कुछ सीरियस वो लेकर आने वाला होगा. सी बेसिकली व्हाई देयर इज अ मोर डिवोर्स केसेस इन यूएस एंड व्हाई इन इंडिया लेस, बिकॉज स्टिल वी थिंक इट इज रॉन्ग. Still, we think that we can compromise. May I tell reason? Yes, ma'am. मैम एक्चुअली उसमें ऐसा होता है कि यूएसए में वहाँ ना लड़कियां मतलब ऐसे है कि वो डरती नहीं है तो वो बोल डालती है, पर इधर इंडिया में कैसा कि लोग बोलेंगे अरे अरे लोग क्या कहेंगे. लेकिन बेटा वहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं. हाँ वही मैम, ज्यादा विमेन आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली, ऑन देयर हस्बैंड. यस मैम, सो दे थिंक मेनी टाइम. सेकंडली वहाँ पे 18 इयर्स होते बच्चे भी अलग हो जाते हैं, यहाँ पे स्टिल वो कल्चर नहीं आया. तो बहुत सारे रीजंस हैं. बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं उनको, मतलब ऐसे 6th स्टैंडर्ड में तो तब भी फोन दे देते, उतने इंडिपेंडेंट. पर बेटा आपको ये चीज पता है, अगर छोटे होते अगर आप छोटे हो यूएस में तो आप बच्चों को मार नहीं सकते हो. अगर आपने उसको मारा और किसी ने कम्प्लेन की तो पेरेंट पे केस कर देते, ठीक है. और हम तो बेचारे के उठा उठा के उसको मारते हैं बच्चे को. तो there are different government rules. We can't compare. Okay. इधर पूरी कुश्ती मैच चलती है. हाँ. पता चला बच्चे को मॉल लेकर आया, बच्चे ने जीत किया तो उसको घसीटते हुए घर लेके जा रहे हैं, ठीक है. इंडिया में ये है. ओके. रुद्र नारायणपुरा, यू कैन कंटिन्यू रीडिंग. हाँ मैम. जुडिशियली रिव्यू. एज द फाइनल इंटरप्रेटर of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particularly laws passed by the parliament if it believes that these are the violation. This is a judicial review, yani ke hamare jo constitution ke law hai, humne aage nahi padha ki unpopular law, controversial law, agar कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसे लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉ चेंज करने हैं तो जुडिशरी के पास एक ऐसा पावर है, सीक्रेट पावर है, वी कैन से, राइट. कोई भी पर्टिकुलर लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है, अगर जुडिशरी को लगा नहीं सही है तो वो उसको चेंज कर सकती है. उसे ऐसे लगे कि इस लॉ से हमारे राइट्स वायलेट होते हैं, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो वो डेफिनेटली उस लॉ को बैन कर सकता है. इसे जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं. जैसे हम बोले ना कि उसके पास एक पावर है जो वो नीड हो तभी यूज करता है. ओके मैम. यस मैम, आपने ऐसा बोला कि ये ना वो जुडिशियल रिव्यू दे सकते हैं, लेकिन मैम वो जुडिशियल रिव्यू के मैम गवर्नमेंट देगी या फिर वो कोर्ट देगी? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. ओके मैम. सुप्रीम कोर्ट देता है बेटा जुडिशियल रिव्यू, गवर्नमेंट नहीं देता. अगर गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया पर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये जो लॉ पास किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो उसका जुडिशियल रिव्यू सुनाएगा कि ये लॉ पास नहीं होगा. अब समझ में आया? यस मैम. ओके. दूसरा रुद्रा जो है, काफी समय बाद उसने उसकी शक्ल दिखाई है. यस रुद्रा पटेल, यू हैव टू रीड अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल. Upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. For example, in class 7 book, you read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself, and whose conditions got worse because several hospitals refused to admit him. On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also includes the right to health. It therefore directed the West Bengal government to pay him compensations for the
loss suffered, as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patients during an emergency. Very good. Thank you, Veda. Can you explain this? Ma'am, may I explain? No way. Let him try. Bahut time ke baad wo haath mein aaya. मैम इसमें समझाया है कि मैम कोई भी आदमी या कोई भी पीपल या कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर केस करने के लिए. फंडामेंटल राइट बीन वायलेटेड, यानी कि हमने सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 में सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे ना. अगर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, if you have been not given your right और आपके right violate हुए, तोड़े गए हैं, आपको नहीं दिए गए, तो आपके पास PIL, public litigation interest, public interest litigation, public interest litigation right है. Directly you can appeal to a high court or a supreme court, appealing that being a citizen of India, my right of life have been violated and here I appeal to you to give me a justice. This way you have to write an application, appeal, जिसको appeal बोलते हैं, ठीक है? और इस तरह से आपको appeal करना होता है. तो यहाँ पे हकीम शेख का यही बताया, जब वो ट्रेन से गिर गया, उसको कोई भी गवर्नमेंट उसमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, फाइनली उसको प्राइवेट में एडमिट किया गया जहां पे उसके पास इतना पैसा नहीं था, और उसको किया राइट टू लाइफ. आर्टिकल 21, प्लीज यू हैव टू रिमेम्बर दिस आर्टिकल्स. Article 21 given in our constitution that every citizen of India have a right to life, right? Right to health, उसके अंदर आता है. इसीलिए West Bengal पे जब ये case चला citizen versus state, तब उसको compensation देना पड़ा, क्योंकि हकीम शेख की fundamental right violate की गई थी, उसे दी नहीं गई थी उसकी right जो थी. Okay, clear over here? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Evam, video on kar. Okay. Yahan tak sab clear ho? Yes, ma'am. Udra Patel, yes, side mein ek. Yes, ma'am. Supreme yes, ma'am. Picture, Udra Patel, not Naranpura. The yes, one ma'am. Who was reading. एक पिक्चर दिया गया है आपको सुप्रीम कोर्ट का. नीचे जो सारी इंफॉर्मेशन है, प्लीज एवरीवन टेक दैट फॉर अ ऑब्जेक्टिव, और वो एक बार आप पढ़ लो बेटा. यस मैम. द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950. टुडे इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक. लाइक इट्स प्रेडेसेसर्स, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-1949, इट वाज अर्लियर लोकेटेड इन द chamber of prince in the parliament house. It moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958. Okay, please, so this all information can be asked in the objective based MCQs, true and false and one mark, so you have to read. Okay, now I will continue in the next lecture. There are 15 minutes left. सबके डाउट्स क्लियर करूंगी. पहले रेज हैंड कर लो जिन भी बच्चों को डाउट है. यश, पूछो तुम्हारा डाउट. क्या मैम? डाउट क्या है बच्चा? मैम हमारे स्कूल में क्या है, ज्योग्राफी में चैप्टर 2 लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज में एक क्वेश्चन, डिफरेंस है बिटवीन सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल होराइजन. सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल होराइजन. यू आर नॉट ऑडिबल बेटा. मैम सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल होराइजन. सॉइल ओरिजिन. मैम होराइजन. होराइजन. यस
ओके वेट सॉइल होरिजन होता है ना वो अलग लेयर्स ऑफ सॉइल के बनाया होता है सॉइल प्रोफाइल होता है वो वर्टिकल सेक्शन का बनाया हुआ होता है सॉइल प्रोफाइल है वो सॉइल सरफेस से एक्सटेंड होता है जैसे यहां में दिया गया है डायग्राम में पैरेंट रॉक्स है ठीक है मैं फिर से बोलो ना आंसर आपको साइंस में नहीं आया है होरिजन ए बी सी करके वो सॉइल हॉरिजन है वो सॉइल के लेयर्स बताता है हमें अ लेयर पैरेलल टू सॉइल सरफेस जिसमें फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर एक लेयर का एक हॉरिजन होता है हर एक लेयर का एक कलर होता है हर एक लेयर का एक टेक्सचर होता है हमने पढ़ा है वो पिछले साल आया जैसे कि चार हॉरिजन होते हैं ठीक है A horizon, B horizon या subsoil, C horizon या soil base, zero horizon यानी decomposing और soil profile यानी कि जो आपके textbook में दिया है। Okay ma'am. Parent rock में होता है horizon. हाँ, you can take the help of an Google and you can frame it in your own answer. Yes. Meet your doubt. Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt in the counter plowing. Okay. Counter plowing or counter plowing. ये usually किया जाता है hill slopes में. इसमें natural barrier यानी ऐसे plowing की जाती है जिसकी वजह से जब पानी गिरता है तो वो flow ना हो जाए. ना मुझे दूसरा भी डाउट था मैम मतलब वो राउंड राउंड डिग करते हैं हाँ यहाँ पे पिक्चर दिया है आपको दिख रहा है मैम मुझे हाँ, दूसरा भी डाउट था हाँ यश एक मिनट बेटा मीत और कोई डाउट है नो मैम हाँ यश बोलो मैम इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैलो लैंड एंड बैरन लैंड कि इसमें क्या आंसर आएगा फैलो लैंड एंड बैरन लैंड बैरन लैंड यानी कि जहां पे टोटली सॉइल की फर्टिलिटी चली गई है ठीक है बैरन लैंड जहां पे वेजिटेशन ग्रो नहीं हो सकता है ड्यू टू इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल विंड की वजह से सॉइल इरोड हो जाना या बिल्कुल भी बारिश हो जाना हाँ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर यस और फैलो लैंड यानी कि जो जहां पे एरिएबल लैंड तो है ठीक है फर्टिलिटी है पर काफी टाइम से तुमने वहां पे कुछ वेजिटेशन ग्रो नहीं किया है मैम लैंड एकदम प्रॉपर है पर हमने कुछ उगाया नहीं है वहां पे यस ओके मैम थैंक यू मैम मेरे इट कैन बी यूज फॉर फार्मिंग एनी अदर डाउट No, मैं मेरा दूसरा और कोई डाउट नहीं है साथ में चलो अभी तुम्हारा डाउट मैम मेरे को इसी चैप्टर में से मैम ये डाउट है मैम कि है ना मैम आप एक और मैम मेरे को वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन समझा दो ना अच्छा और किसी को अगर कल के एग्जाम का कोई भी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मैं जब तक साधनी को समझाऊंगी मैम कितने मार्क्स की एग्जाम होती है 30 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बेटा यानी कि ये चीज हमें बता रहा है कि रुद्र रुको बेटा मैं कुछ समझा रही हूँ ना कौन दो के बीच का झगड़ा कोर्ट में जाता है उसको डिस्प्यूट यानी झगड़ा रिसोल्यूशन यानी उसका सॉल्यूशन लाना जैसे दो सिटीजन के बीच में है दो इंसान के बीच में तो भी कोर्ट जाते हैं एक इंसान और स्टेट के बीच में तो भी कोर्ट में जाते हैं दो स्टेट के बीच में तो भी कोर्ट में जाते हैं सेंट्रल और स्टेट में होते हैं तो भी कोर्ट में जाते मैम दो भी दो लोगों के बीच में छोटा या बड़ा छोटा झगड़ा होता है तो भी जाता है
मैम पर छोटा झगड़ा हो तो मैम हाई कोर्ट क्यों जाए, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जाते हाई कोर्ट, कभी भी आप सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है। मैम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, सागनिक वेट टिल नेक्स्ट लेक्चर, आई विल एक्सप्लेन इवन दिस। ओके मैम। हां मैम हमको पता, मुझे पता। हां तेरे को पता है, तू उल्टा लटकाया आज। हां मैम मैं उल्टा ऐसे ही लटक गया हूं। हां चलो, और किसी को कोई डाउट है? हां अब सीधा हो गया। यू वर आस्किंग समथिंग। Yes, ma'am. The test of the tomorrow test will be objective or subjective will come? Of course, subjective will come, beta. Why aren't it fully objective? Only textual question answers. Ma'am, because the science paper was like that of 30 marks. No, but I won't. I don't. Ma'am, 40 marks. 30 marks. I don't already. आप लोग ने आपके दिमाग को जंग लगा दिया है, हाथ को जंग लगा दिया है. धीरे धीरे मैं सब्जेक्टिव बढ़ाती जाऊंगी। मैं वो तो मुझे भी पता है। डेढ़ साल तक बहुत आराम किया, हमारे हाथ की हाथों की आदत छूट गई है लिखने के लिए। कुछ साल में पूरी है। क्या है राइट मैम, हमारे तो अभी भी कंटिन्यू है, हमारे तो अभी 12 तारीख को सबमिशन भी है। यस गुड ना, आई एम सो हैप्पी। सो अभी तो मैं ऐसा नहीं पूछूंगी, एसएस इज टू मच ऑफ लेंदी, बहुत सारा सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होता है, तो वो तो मैं पूछने वाली हूँ। बट टेक्सुअल, क्योंकि आपकी स्कूल बहुत सारी स्कूल अभी मिक्स है, वेरिएशन चल रहा है, तो अंदर से मैं बच्चों को नहीं पूछना चाहूंगी। यस एनी अदर डाउट? नो मैम, नो डाउट। अगर डाउट नहीं है तो मैं पूछती हूँ कुछ। मैम आज इंग्लिश का लेक्चर नहीं होगा? होगा ना? नहीं होगा, मुझे लगा। और सॉरी मैम, मुझे लगा 5:30 हो गए। सॉरी सॉरी, अभी तो 7 मिनट बाकी है मैम। ओके, हु विल गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स? फुल फॉर्म ऑफ साइट, CITES. Sagnik is searching for the answer. Very bad. Tomorrow you are having an exam. See, I just now I told you, have rusted your question. Mind. You have rusted your mind. Can I say? What is the full form of CITES? Mam, can I say neat? Mam, convention. Yes, ma'am. Mam, convention on Yash. International trade. Yash. Yes, ma'am. Mam, मुझे तो chance ही नहीं मिला read. Neat, answer it fast. Mam, convention on international trade. In endangered. ओके चलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, यहां तक आंसर है। ओके मैम, दिस इज वन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। व्हाई वी से that water can neither be added nor be subtracted from the earth? Ma'am, can I say neat? No, meat. Ma'am, can I say yes? It is your school answer, I know that. Ma'am, can I say yes? Can I say? Ma'am, can yes, I say? Yes, answer. Ma'am, in sea water cannot be added or subtracted because if we will subtract the water from the sea for our use, then sea will be empty and we cannot add water because... नहीं यश, सागनिक कैन यू? मैम दिस इज द स्टेटमेंट दैट वी कैन नॉट ऐड वाटर और डिक्रीज इट बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन व्हेन
मैम सही बोलो यस मैम व्हेन द प्रोसेस गोस थ्रू इट द सी वाटर इवेपोरेट्स टू द स्काई एंड देन मेनी प्रोसेसेस गो थ्रू इट एंड देन अगेन परसिपेट एंड कम्स डाउन टू द ग्राउंड एंड दिस प्रोसेस गो थ्रू फ्रॉम इयर्स टू इयर्स दैट्स व्हाई फ्रॉम आवर अर्थ वाटर कांट बी एडेड और कांट बी सब्ट्रैक्टेड सिंपल बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल Yes, meet your answer. Ma'am, I was saying that only water cycle. Yes, water can neither be added nor subtracted from the earth because its total volume is always constant. It is always seen in an abundant. Ma'am, I said right, ma'am. Cycling through this. Yes, Darshan. Ma'am, I have a question. Yes, ma'am. Jo aapne pucha question abhi ke jo sea hai, ma'am, sea mein sahi na? जो पहले आपने क्या क्वेश्चन किया था द टोटल वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट वाटर कैन नीदर बी मैम आपने पूछा था फुल फॉर्म ऑफ साइड्स हां नहीं उसके बाद मैम उसके बाद मैम वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ मैम तो अब स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कैसे होता है अर्थ पे स्कैर्सिटी मैम मे आई यस मैम स्कैर्सिटी इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास मैम टू टाइप्स ऑफ वाटर है एक पोटेबल वाटर है और एक नॉर्मल वाटर है पोटेबल वाटर हम उस वाटर को कहते हैं जो कि मतलब पीने लायक क्या जो कि पीने लायक है जो जिसको हम पी सकते दूसरा वाटर जो होता है सी वाटर जिसको हम पी नहीं सकते पूरे हमारे धरती में 75% मैम जो पानी है और बाकी का लैंड है लेकिन उसमें से मैम उसमें से अगर परसेंट निकले तो 1% सिर्फ हमारे पास ड्रिंकिंग के लिए वाटर है बाकी पूरा 99% मैम सी का वाटर है Scare because जो amount of water vapor form होना चाहिए with the help of water cycle that is reducing. Okay. Okay ma'am. Yes. Clear बेटा. Good Sarni. Yes. Neet बोलो. Ma'am अगर बारिश ही नहीं हुई तो. क्या अगर? हाँ बारिश ही नहीं हुई तो. तो drought आएगा. वाटर को डिक्रीज ही करेगा ना ड्रॉट आएगा तो यस ग्राउंड वाटर हाईएस्ट रेनफॉल हेल्प फॉर एक्युमुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर तो हो ही रहा है ना बारिश हो रही है अभी अहमदाबाद में बारिश हो रही है मैम कभी कभी मैम गुजरात भी होती है मैम एक्चुअली क्या है ना जिस जगह जितना भी पानी होगा ना उतनी बारिश गिरेगी जिस जगह पानी नहीं होगा ना वहाँ बारिश ही नहीं गिरेगी क्योंकि वाटर साइकिल नहीं होगा सही बात है चलो Which animal is known as natural scavenger? Ma'am, can I answer? Bird. Which bird? Sorry. Ma'am, can I answer? Yes, Tanishka, you can. Ma'am, vulture. Yes, very. Ma'am, because it eats the leftover of animal, dead animals. Yes. Dead and decaying. Yes. Can anyone give me the definition of national park glossaries? I will and ask. Ma'am, also vulture is also known as environment cleaner as for because it cleans the environment by eating all the dead animals left over. Yes, right. Can anyone give me the definition of national park? Yes, Tanishka, wait now. Let other try. You are well prepared for tomorrow's exam. Daivi? Ma'am, can I? Yes, I was waiting for you. Bolo. A natural area designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystems for the present and the for future present generation. And the future generations. Okay. Done. Chalo. All the best for tomorrow. Right? In next lecture, we will continue. We will discuss the paper and we will continue with the judiciary chapter. Okay? Okay, ma'am. Bye, everyone. Ma'am, short note puchoge na? Sab kuch puchungi, main. Textual ke piche. Bye, ma'am. Main paper ban gaya? Bye, ma'am. Ruko, bye, mat bolo.
मैं किसे होस्ट बना के जाऊं? मैम मुझे बना दो, मैम मुझे बना दो, मैम मुझे बना दो, किसी को नहीं बना, मुझे तो किसी ने होस्ट नहीं बनाया, एडमिन का बना दो, एडमिन मैं मुझे ही बना, एडमिन कोई है ही नहीं अभी, वो भी है। मैम यस नीट मैम वो जो फिगर 2.18 है ना टेक्स्ट बुक में जियोग्राफी की चैप्टर 2 मैम उसमें हॉर्ड ऑफ चीटाज लिखा है पर मुझे तो उसमें चीटा ही नहीं दिख रहा क्या क्या मैम जो फिगर 2.18 है ना उसमें लिखा है हॉर्ड ऑफ चीटाज लिखा है पर उसमें तो मुझे डियर दिख रहा है हाँ मुझे भी डियर ही दिख रहे हैं पर वो चीतल्स है चीता नहीं है तो चीतल्स भी एक डियर ही की ब्रेड है ब्रेड नहीं है ब्रीड है ब्रीड ब्रीड ब्रेड मैम एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग साइट्स भी लिख सके ना एज अ पॉइंट क्या बेटा मैम गवर्नमेंट ने कौन से एक्शंस लिए एनिमल्स को सेफ रखने के लिए तो उसमें साइट्स भी आएगा ना ऑफ कोर्स यस मैम एक बुक है रेड बुक वो भी इसके बारे में ही है रेड डेटा बुक रेड बुक बाय मैम बाय चलो बाय मैम बाय मैम ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो थैंक यू मैम थैंक यू मैम बाय मैम चले गए फिर बोल रहे हो हेलो मैम ग्राफ भी लिखना है एंड क्वेश्चन आंसर भी गॉट इट ओके मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है